शरदीय नवरात्रा पर रविवार को शहर में अंबे मैया के जयकारे गूंज उठे। चारों मंदिरों में शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की गई। लोगों ने विधि विधान से मां शैलजा पुत्री का पूजन किया। मंदिरों में सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। लोगों ने माता के दर्शन कर सुख शांति की कामना की। इसके साथ ही 9 दिन तक व्रत उपवास का सिलसिला भी शुरू हो गया। नवरात्रा पर सुबह घरों एवं मंदिरों में शुभ मुहूर्त पर घट स्थापना की गई। प्राचीन चामुंडा मंदिर मेहरानगढ़ में मैया के पूजन किया जा रहा है। वहीं मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं को पॉलीथीन लेकर व शराब का सेवन कर आने वालों पर पाबंदी लगाई है। वहीं ट्रस्ट की ओर से मंदिर की परिक्रमा करने की भी इजाजत नहीं है। वहीं किले के मुख्य द्वार से जयपोल व फतेहपोल से प्रवेश द्वार पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए खुले रहेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं। शरदीय नवरात्रि है, लोगों की काफ़ी माता जी के प्रति आस्था है। स्थापना के बाद में पूजन भारतीय नवरात्रा प्रदान है, उसके बाद स्थापना उसके बाद चिंडे के पास शुरू है। नगर निगम जोधपुर की ओर से किए जा रहे कार्यों से जोधपुर विकास की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में आज जोधपुर नगर निगम ने शिक्षाविद व इतिहासकार प्रोफेसर आरपी व्यास के नाम पर सड़क का नामकरण किया। इस नामकरण के लोकार्पण के दौरान महापौर घनश्याम ओझा, सूरसागर विधायक सूर्यकांत अभ्यास, शिक्षक प्रोफेसर अयूब खान सहित महिला विधि महाविद्यालय जोधपुर के छात्र छात्राएं एवं शिक्षकगण मौजूद थे। इस नामकरण के दौरान महापौर घनश्याम ओझा ने बताया कि नगर निगम लगातार शहर में विकास कार्य कर रहे हैं। इसी शहर की विकास की कड़ी में आज सड़क का नामकरण आरपी व्यास के नाम पर कर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि शिक्षाविद आरपी व्यास जोधपुर के महिलाओं के उत्थान के लिए बड़े कार्य किए हैं, साथ ही इतिहासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार शिक्षाविद प्रोफेसर आरपी व्यास जी के हमारे का नामकरण आज हमारे यहाँ के विधायक सूर्यकांता जी, प्रोफेसर रवि खान जी, प्रोफेसर जोर खान जी मेयर व अन्य जनप्रतिनिधि व स्कूल के जितने भी सभी फैकल्टी सामने के साथ में किया गया। आरपी व्यास जी शिक्षा के लिए और विशेष करके महिला शिक्षा के लिए समर्पित है। जिस प्रकार का भव्य रूप महिला PG महाविद्यालय का दिख रहा है, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे महापुरुष के नाम के रोड का नामकरण करके नगर निगम परिवार अपने आप को धन्य समझता है। मैं साथ ही जितने भी आरपी व्यास जी के परिवार के लोग हैं, इस स्कूल के सभी मेरे कमेटी के लोग, उनसे ये निवेदन करूँगा कि पत्थर केवल पत्थर नहीं रहे, ये पत्थर सजीव बने, पत्थर हमेशा बोलता रहे, उनकी याद में स्मृति में कुछ कार्यक्रम होते रहे, जिससे लोगों को लगे कि आरपी व्यास जी का ये तो जब तक ऐसे बार बार कार्यक्रम नहीं होंगे नई पीढ़ी भूल जाएगी उन्होंने क्या उनका क्या योगदान था, उन्होंने क्या किया। एक बहुत बड़े महापुरुष थे। नगर निगम परिवार इस जो प्रश्न पिछले 5 वर्ष में अनेक देवी देवताओं के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर और जितने भी जिनका शहर के विकास में योगदान रहा उनके नाम पर अनेक करोड़ों का नामकरण किया है और मेरे लगे बहुत अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ आज ये नगर निगम परिवार ने बहुत अच्छा काम किया है। जाट समाज संस्थान जोधपुर की ओर से आज कागा रोड स्थित रामगढ़ी के छात्रावास में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि IPS सवाई सिंह गोदारा व SDM प्रथम मदनलाल नेहरा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा तथा समारोह की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद रामनारायण डूडी ने की। संस्थान के अध्यक्ष पूनाराम दवा वे पूर्व DY SP डगलाराम पूनिया ने बताया कि समारोह में समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और समाज के उत्कृष्ट सेवा करने वाले समाज के लोगों को ये सम्मान दिया गया। इस सम्मान समारोह में कुल 191 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। ये सम्मान समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें समाज के लोगों का जो शिक्षा के क्षेत्र में व समाज के अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं उन लोगों को सम्मान दिया जाता है। जाट समाज जोधपुर द्वारा आज 10वीं या 12वीं में 90% एंड अबव कॉलेज
बीए एमए 80% अबाउ मेडिकल आईआईटी आईएएस आईपीएस और उत्कृष्ट खेल कूद वाले सारे बच्चों को करीब 191 है करीबन सबको आज समाज द्वारा सम्मान किया जा रहा है। राजस्थान शारीरिक शिक्षकों का एक दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन आज गौशाला मैदान में आयोजित हुआ। इस जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के मुख्य अतिथि बाल एवं संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बैनीवाल रही, तो वहीं अध्यक्षता संयुक्त निर्देशक प्रेमचंद साकला व विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर अयूब खान व पार्षद आयदान राम चौधरी रहे। शारीरिक शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष हापूराम चौधरी ने बताया कि आज के अधिवेशन रखने के पीछे मूल उद्देश्य था कि सभी शिक्षक इस अधिवेशन में शरीक हो, कि जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 20 सितंबर व 21 सितंबर को आयोजित हुए थे, लेकिन उस समय खिलाड़ियों को लेकर टूर्नामेंट चल रहे थे, जिसकी वजह से शारीरिक शिक्षक उस समय अधिवेशन में भाग नहीं ले सकते थे, इसलिए एक दिवसीय शारीरिक शिक्षक सम्मेलन आज रखा गया। इस एक दिवसीय अधिवेशन में खुली चर्चा रखी गई एवं अधिवेशन में शारीरिक शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र भी तैयार किया गया, जो राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ का एक दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक अधिवेशन आज हमने गौशाला मैदान में शुरू किया है, और आज जो हम अधिवेशन रख रहे हैं इसका मूल उद्देश्य है कि जो पहले 20 और 21 तारीख को जो हमारे अधिवेशन थे उस वक्त हमारे राज्य स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताएं चल रही थी, उस दौरान हमारे सारे शिक्षक जो है वो अपनी टीमों को लेकर के चले गए थे, तो सारी शिक्षक अधिवेशन में भाग नहीं ले सकते थे, इसलिए हमारी जोधपुर जिला कार्यकारिणी ने उस अधिवेशन को स्थगित कर दिया था, और अब जो है उस एक जो दो दिवसीय अधिवेशन होता है उसको एक दिवसीय अधिवेशन में हमने कन्वर्ट करके और आज अधिवेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर खुली चर्चा होगी, पूरे जो सारी शिक्षकों की समस्याएं आएगी उन समस्याओं पर विचार मंथन करके हमारी जैसे पदोन्नतियाँ हैं, खिलाड़ियों का जो है डीए बढ़ाना है, इन सभी समस्याओं को लेकर के हम विचार मंथन करेंगे और एक ज्ञापन बना करके राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। लूणी के धुंधाड़ा में शनिवार रात्रि को मुख्य बाजार स्थित एक फैंसी की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सामान जलने लगा। वहीं दुकान के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने दुकान मालिक को फोन कर सूचना दी। वहीं ग्रामीणों ने दुकान में लगी आग को बुझाने लगे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दुकानदार का कहना है कि इस आग में हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया।